हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल सबको शिक्षा पर हार्दिक स्वागत है। आज हम डाटा साइंस इंजीनियरिंग के डाटा एनालिसिस पाइथन के पांडास 3 की क्विज को देखने जा रहे हैं। तो इसमें 10 क्वेश्चन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेस लेयर फॉर ऑल ऑफ द स्पार्स इंडेक्स्ड डाटा स्ट्रक्चर। तो उसके ऑप्शन है एस एरे, स्पार्स एरे, पीवाई एरे एंड वन ऑफ द मेंशन। तो क्वेश्चन ये पूछा है कि इनमें से कौन सा बेस लेयर है सभी स्पार्स इंडेक्स डाटा स्ट्रक्चर के। तो इसका आंसर है स्पार्स एरे। स्पार्स एरे इज़ ए वन डायमेंशनल एनडी एरे लाइक ऑब्जेक्ट्स स्टोरिंग ओनली वैल्यूज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द फिल लोअर केस वैल्यू। तो स्पार्स एरे बेस लेयर फॉर ऑल द स्पार्स इंडेक्स डाटा स्ट्रक्चर के हैं। क्वेश्चन नंबर टू, पॉइंट आउट द करेक्ट स्टेटमेंट, ऑल ऑफ द स्टैंडर्ड पांडास डाटा स्ट्रक्चर्स हैव अ टू लोअर केस स्पार्स मेथड। सभी स्टैंडर्ड पांडास डाटा स्ट्रक्चर को के पास लोअर केस टू लोअर केस स्पार्स मेथड है। ऑप्शन बी, एनी स्पार्स ऑब्जेक्ट कैन बी कन्वर्टेड बैक टू द स्टैंडर्ड टेंस फॉर्म बाय कॉलिंग टू लोअर केस टेंस। एनी स्पार्स ऑब्जेक्ट कैन बी कन्वर्टेड टू बैक ऑफ द स्टैंडर्ड टेंस। जो कोई भी स्पार्स ऑब्जेक्ट है वो कन्वर्ट हो कर सकते हैं हम स्टैंडर्ड टेंस में, किससे, कॉलिंग टू लोअर केस टेंस ये यूज़ करके। द स्पार्स ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट फॉर मेमोरी एफिशिएंसी रीजंस। स्पार्स ऑब्जेक्ट किस लिए एग्जिस्ट होते हैं, तो मेमोरी एफिशिएंसी रीजन के लिए। तो सभी सही है यहाँ पे, तो हम यूज़ करेंगे ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द मेंशन। द टू लोअर केस स्पार्स मेथड टेक्स ए काइंड आर्गुमेंट एंड फिल लोअर केस वैल्यू। क्वेश्चन नंबर थ्री, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडेक्स्ड ऑब्जेक्ट, इनमें से कौन सा इंडेक्स ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑप्शन वन, स्पार्स सीरीज। ऑप्शन बी, स्पार्स डाटा फ्रेम। ऑप्शन सी, स्पार्स पैनल एंड ऑप्शन डी, नन ऑफ द मेंशन। तो नीचे देखिए, इनमें से कौन सा इंडेक्स्ड ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इनमें से नहीं, नन ऑफ द मेंशन, बिकॉज इन ये सभी इंडेक्स्ड ऑब्जेक्ट है। स्पार्स एरे कैन बी कन्वर्टेड बैक टू द रेगुलर एंड एरे बाय कॉलिंग टू लोअर केस टेंस। क्वेश्चन नंबर फोर, विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट लाइक डाटा स्ट्रक्चर इज यूज्ड फॉर मैनेजिंग अ डायनामिक कलेक्शन ऑफ स्पार्स एरे। नीचे देखिए, में से कौन सा लिस्ट लाइक डाटा स्ट्रक्चर यूज होता है मैनेजिंग अ डायनामिक कलेक्शन ऑफ स्पार्स एरे के लिए। डायनामिक कलेक्शन ऑफ स्पार्स एरे मैनेज करने के लिए नीचे दिए गए में से कौन सा डाटा स्ट्रक्चर का यूज़ होता है, स्पार्स लिस्ट, जियो लिस्ट, स्पार्स सीरीज। तो इसका आंसर है स्पार्स लिस्ट। टू क्रिएट वन, सिंपली कॉल द स्पार्स लिस्ट कंस्ट्रक्टर विथ ए फिल लोअर केस वैल्यू। अगर आपको एक क्रिएट करने डायनामिक कलेक्शन ऑफ स्पार्स एरे, तो बस आपको सिंपली कॉल करना होगा स्पार्स लिस्ट कंस्ट्रक्टर को विथ ए फिल लोअर केस वैल्यू। क्वेश्चन नंबर फाइव, पॉइंट आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट, नीचे देखिए में से कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट है। टू लोअर केस अरे डॉट अपेंड कैन एक्सेप्ट स्केलर वैल्यूज और एनी टू डायमेंशनल सीक्वेंस। ऑप्शन बी, टू काइंड्स ऑफ स्पार्स इंडेक्स आर इम्प्लीमेंटेड। ऑप्शन सी, द इंटेजर फॉर्मेट कीप्स एन अरेज ऑफ ऑल द लोकेशंस वेयर द डाटा आर नॉट इक्वल टू द फिल वैल्यू एंड ऑप्शन डी, नन ऑफ द मेंशन। तो इनमें से रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है, तो इनमें से रॉन्ग स्टेटमेंट है ऑप्शन ए, टू अरे टू लोअर केस अरे अपेंड कैन एक्सेप्ट स्केलर वैल्यूज और एनी टू डायमेंशनल सीक्वेंस। तो टू लोअर केस अरे अपेंड कैन एक्सेप्ट स्केलर वैल्यूज और एनी वन डायमेंशनल सीक्वेंस। क्वेश्चन नंबर सिक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड फॉर ट्रांसफॉर्मिंग अ स्पार्स सीरीज इंडेक्स बाय मल्टी इंडेक्स टू ए स्कीपी डॉट स्पार्स डॉट सी डबल ओ लोअर केस मैट्रिक्स। नीचे देखिए, में से कौन सी मेथड यूज होती है ट्रांसफॉर्मिंग अ स्पार्स सीरीज इंडेक्स के लिए बाय मल्टी इंडेक्स टू ए स्कीपी डॉट स्पार्स डॉट सी डबल ओ लोअर केस मैट्रिक्स। तो ऑप्शन है स्पार्स सीरीज डॉट टू लोअर केस सी डबल ओ ब्रैकेट कंप्लीट, सीरीज डॉट टू लोअर केस सी डबल ओ ब्रैकेट कंप्लीट, स्पार्स सीरीज डॉट टू लोअर केस कोजर ब्रैकेट कंप्लीट, नन ऑफ द मेंशन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, स्पार्स सीरीज डॉट टू लोअर केस सी डबल ओ ब्रैकेट कंप्लीट। एक्सपेरिमेंटल एपीआई टू ट्रांसफॉर्म बिटवीन द स्पार्स पांडास एंड scipy डॉट स्कीपी डॉट स्पार्स स्ट्रक्चर्स। क्वेश्चन नंबर सेवन,
The integer format tracks only the location and sizes of blocks of data. The integer format tracks, जो integer format tracks होता है वो सिर्फ locations and size of blocks of data, मतलब data के blocks, जो blocks होते हैं उसकी locations और size को tracks करता है. Format tracks only the locations and size of block data, तो वो गलत है. The block format, जो block format होता है tracks only the location and size of the blocks of data, ना कि integer format. Question number 8. Which of the following is used for testing for membership in the list of column names? नीचे देखे में से किसका यूज होता है टेस्टिंग के लिए membership के in the list of column names? तो option A in, option B out, option C else if, and option D none of the mention. तो उसका सही आंसर है in. For data frames, likewise in applies to the column axis. Question number 9. Which of the following indexing capabilities is used as a concise means of selecting data from a pandas object? नीचे देखिए में से किसका indexing capabilities is used as a concise means of selecting data from pandas object. Pandas object से selecting data किया जाता है. तो option A in, option B IX, option C IPY and option D none of the mentioned. तो इसका सही आंसर है IX. IX and reindex are 100% equivalent. IX and reindex is 100% equivalent है, यानी कि ये एक ही है. Question number 10. Pandas follow the NumPy convention of erasing an array when you try to convert something to a bool. Pandas follow the NumPy convention of erasing an array. Panda follow करता है NumPy convention का erasing an array when you try to convert something to a bool. जब आप किसी bool को कन्वर्ट करने के लिए कुछ करते हैं तब पांडास फॉलो करता है NumPy कन्वेंशन रेजिंग एन अरे. जिस तरह से NumPy कन्वेंशन एक अरे रेज करता है वैसे पांडास भी करता है. ये ट्रू है. दिस हैपन्स इन एंड इफ और वेन यूजिंग द बूलन ऑपरेशंस एंड और नॉट. इन तीनों, ये तीन अगर बूलियन एक्सप्रेशन हम ऑपरेशन हम अगर यूज करें तो ये हैपन होता है. तो इस तरह से हमने डाटा साइंस इंजीनियरिंग के पांडास 3 जो डाटा एनालिसिस विद पाइथन का होता है वो हमने कंप्लीट कर लिया है. डाटा एनालिसिस विद पाइथन. तो इसी तरह से मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा. अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. उससे हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और आप खुद भी मोटिवेटेड रहिए, इंस्पिरेटेड रहिए, किसी से इंस्पिरेशन लीजिए. सबसे बड़ी इंस्पिरेशन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मेरे सबके होते हैं. बहुत ज़्यादा लोगों के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इंस्पिरेशन होते हैं. तो ऐसे में नए नए वीडियो बनाता रहूँगा. तब तक के लिए मैं जैसे का मोटिवेटेड रहे, हेल्दी रहे. अभी मैं आपसे विदा चाहता हूँ. धन्यवाद.